दवात में शाही रखते थे उससे, और स्याही घमीरा का रस, बंगूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों के लिए पारती हैं बनाती हैं उसी से लिखते, उसको डाल के महीनों घोटते थे तब स्याही बनती थी। जिस पर लिखा गया है बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है, ताम्रपत्र नहीं है, कुछ नहीं है, कागज है। तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा है। अच्छा, ये भोजपत्र नहीं है जिसपे तुलसीदास जी ने कागज, अच्छा उस समय भी कागज था। तुलसीदास जी के पैदा होने के 400 वर्ष पहले से कागज बन रहा। ये ताम्रपत्र वगैरह जो है ये बाद में बनाए गए। छोड़ो, ताम्रपत्र छठवीं से आठवीं तक लेखन कार्य शुरू हुआ है। छठवीं से आठवीं तक ताम्रपत्र चला, तांबे के पत्ते पीट के गोद गोद के लिखते थे। आठवीं से दसवीं तक ताड़पत्र चला है, स्याही का आविष्कार हुआ, ताड़ के पत्तों पर दुबो ढूंढ कर लिखते थे। दसवीं से बारहवीं तक भोजपत्र चला है। तेरहवीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। चौदहवीं में भारत में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे, पुराने लोग पढ़े सही सारे लुगदी बना के उसका कागज हमारे यहाँ कालपी में आज भी बनता है। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे भाई, 1631 संबत 1631 करम कथा हरिपत्थर शीशा नवमी होमवार मधुमासा अवध पुजिए चत प्रकाश। 17वीं शताब्दी में लिखा, यानी कागज बनने के 400 वर्ष बाद। इतिहास है, छोड़ो इतिहास है, किसी को मालूम है, आपको मालूम है, इनको नहीं मालूम, बिटिया को नहीं मालूम, वो हामीकार भरे उसको मालूम है, बिटिया नहीं हामीकार भरे उसको नहीं मालूम। तुलसी लिख रहे हैं कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ। पंडित जी आपने एक बात कही थी कि ये IAS में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ये यहाँ से बच्चे बिलोंग करते हैं और IAS का टेस्ट देते हैं ना कहीं, हाँ, तो इसी के ऊपर ये चीज़ें ही पूछी जाती मोस्टली। हाँ उसी जगह के बारे में ज़्यादा।